Class 7th Physical and Chemical Changes. Today we will discuss exercise. First question, classify the changes involved in the following process of physical or chemical changes. बच्चे आपको नीचे दी गई हैं प्रोसेस दिए गए हैं, उन प्रोसेस में जो चेंजेस आता है उसमें बताना है कौन सा फिजिकल चेंज है और कौन सा केमिकल चेंज है। पहला प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। बच्चे आपको पता है फोटोसिंथेसिस जो है जिसमें पौधा अपना खाना बनाता है उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और खाने के जो रॉ मटेरियल होते हैं फोटोसिंथेसिस में वो सनलाइट, मिनरल्स, वाटर और पत्तों में जो क्लोरोफिल होती है, तो इन सभी की कॉम्बिनेशन से ही फोटोसिंथेसिस बनता है। उसके बाद में जो चीज़ बनती है, कार्बोहाइड्रेट जो बनते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं बाय नेचर से, उनका केमिकल कंपोजिशन जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस जो है वो केमिकल चेंज है। नंबर टू, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर। तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जब हम पानी के अंदर शुगर को डिज़ोल्व कर देते हैं, लेकिन जब हम जो सोल्यूशन बनता है शुगर सोल्यूशन, उसको शुगर सोल्यूशन कहते हैं। यदि हम शुगर सोल्यूशन को गर्म करेंगे, बॉईल करेंगे, तो सारा का सारा पानी जो है वो वेपर बन के उड़ जाएगा और पीछे जो रह जाएगा वो शुगर रह जाती है। तो आपने ये देखा कि पानी जो है वो चला गया, उसकी कंपोजिशन जो है वो हवा में चले गई और पीछे जो रह गया वो शुगर, तो ना उनकी नेचर में कोई, उनकी केमिकल कंपोजिशन में कोई फ़र्क नहीं आया, इसीलिए डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर इज़ ए फिजिकल चेंज। तो बर्निंग ऑफ कोल, आपको पता है जब आप कोयले को बर्न करते हो तो दोबारा से जो पीछे बर्न होने के बाद में क्या रहता है, कोयले के पीछे ऐश रह जाती है। तो ऐश और कोयला एक जैसा थोड़ी होता है, बाकी हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी वो दोनों चले जाती हैं, तो इसीलिए बर्निंग ऑफ कोल जो है वो एक केमिकल चेंज है, इसमें न्यू कंपोजिशन होती है। मेल्टिंग ऑफ बैग्स, बच्चे मेल्टिंग ऑफ बैग्स आपको पता है किसको बोलते हैं, जिससे मोमबत्ती बनती है, तो वो जो कैंडल वगैरह बनती है, तो उसमें जब वो मेल्ट होता है तो मेल्ट होने के बाद वो दोबारा से वैक्स ही रहता है, ये नहीं है इसकी शक्ल चेंज हो सकती है, वो मोमबत्ती की तरह नहीं रहेगा लेकिन वैक्स ही रहता है वो मेल्ट होने के बाद, इसीलिए वो फिजिकल चेंज है। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है बीटिंग अल्मोनियम टू मेक अल्मोनियम फॉइल। तो बच्चे अल्मोनियम फॉइल आपको पता है पेपर की तरह, जो अल्मोनियम पेपर होता है जिसे हम अपनी रोटी पैक करते हैं या मिठाई वाले मिठाई के ऊपर जो है उसे उधर उधर इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो अल्मोनियम को वीट होता है कूटना, उसको और पतला करना, तो ये जो वीटिंग ऑफ अल्मोनियम से अल्मोनियम फाइल्स बनती हैं, अल्मोनियम पेपर को अल्मोनियम फाइल बोलते हैं, तो ये एक फिजिकल चेंज है, इसमें केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं आता है। डाइजेशन ऑफ फूड, बच्चे आपको पता है जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद ब्लड, कुछ खाना ब्लड में चला जाता है, कुछ खाना जो है वो इजेक्शन हो जाता है, तो वो वैसा का वैसा तो वापस हमें नहीं मिलता, तो डाइजेशन ऑफ फूड ये भी केमिकल चेंज है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू आर फॉल्स। आपने ट्रू होगी जो स्टेटमेंट वो ट्रू कहनी है, जो फॉल्स होगी उसे फॉल्स कहना है। इन केस ए स्टेटमेंट इज फॉल्स, यदि कोई स्टेटमेंट गलत होगी, राइट द करेक्ट स्टेटमेंट, उसे सही करके लिखना है, इन योर ओन नोटबुक, अपने नोटबुक में उसको सही तरह से लिखना है। फर्स्ट स्टेटमेंट ए पार्ट, कटिंग ऑफ लॉग ऑफ वुड, जब हम मोटी लकड़ी के पीस करते हैं जिसको लॉग बोलते हैं, LOG लॉग, तो कटिंग ए लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज ए केमिकल चेंज। बच्चे आप खुद बताओ कि एक लकड़ी के दो के ज़्यादा पार्ट कर देंगे, छोटे छोटे अलग अलग पार्ट कर देंगे मोटी लकड़ी के, तो वो क्या है, केमिकल चेंज होगा, हैं? ट्रू और फॉल्स, इसमें आपने आंसर देना है कि ये फॉल्स है, ये केमिकल, इन्होंने स्टेटमेंट में कहा हुआ है ये केमिकल चेंज है, तो ये केमिकल चेंज नहीं है। ठीक है, कटिंग ऑफ लॉग ऑफ वुड, इसका जो कटिंग ऑफ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज़ ए, क्या आना था करेक्ट में,
यदि इसको सही तरह से लिखना होता स्टेटमेंट को, तो केमिकल चेंज की प्लेस पे क्या लिखना है, फिजिकल चेंज। ठीक है, अब बी पार्ट, इसी के साथ जो बी पार्ट की स्टेटमेंट है, फॉर्मेशन ऑफ मैन्यूर फ्रॉम लीव्स इज़ ए फिजिकल चेंज। बच्चे पत्तों से जो मिट्टी बनती है उसे हम मैन्यूर बोलते हैं, तो मैन्यूर जो कि लीव से बनती है, ये एक फिजिकल चेंज है। अरे ये फिजिकल चेंज है नहीं, ये फॉल्स कह रहा है, ये गलत कह रहा है। ये कौन सी चेंज है, ये आपने किस तरह से इसे करेक्ट लिखना है, फॉर्मेशन ऑफ मैन्यूर फ्रॉम लीव्स इज ए केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज को हटा के क्या लिखना है इसकी प्लेस पे, केमिकल चेंज लिखना है। नेक्स्ट सी पार्ट, आयरन पीस इज कोटेड, आपने पीछे पढ़ा लोहा, आयरन मीन लोहा होता है, उसकी पाइप्स, उसकी जो पाइप्स होती हैं उसको कोट करते हैं विद जिंक के साथ। ठीक है, उन पाइपों को पीछे आपने क्या देखा था कि जब जो उन्होंने हमें कहा था कि आप आपने घरों में जो वाटर पाइप्स होती हैं उनको पेंट किया होता है कि उसे हमने जिंक का क्या किया था, गैल्वनाइजेशन किया था ना। तो ये कह रहे हैं कि आयरन पाइप्स कोटेड विद जिंक डू नॉट गेट रस्ट ईजिली, उसे जब हम जिंक के साथ कोट कर देते हैं तो वो आसानी से उसे जंग नहीं लगता है। ये तो हमने देखा था पीछे, ट्रू है ये कि कोट किया था, कोट ही, गैल्वनाइजेशन का मतलब भी कोट ही होता है। ठीक है, गैल्वनाइजेशन मीन कोटेड, कोट के चढ़ाया था हमने इसके लोहे की पाइपों को जिंक का, तो ये एक ट्रू है। बच्चे ट्रू को आपने कुछ नहीं करना है, वो सिर्फ ट्रू लिखना है, जो फॉल्स है उसे करेक्ट करना है। डी पार्ट, आयरन एंड रस्ट, बच्चे आपको पता है आयरन से ही रस्ट बनती है, आयरन जब जो उसे बिना पेंट किए हुए, बिना पेंट का कोट किए हुए छोड़ दोगे तो उसमें जंग लग जाती है। ये एक इन्होंने आर द सेम सबस्टेंसेस, ये पूछ रहा है क्या ये रस्ट जो जंग और लोहा सेम चीज़ है, नहीं, ये बिल्कुल, ये कह रहे हैं सेम है लेकिन सेम नहीं है, ये फॉल्स है। इसको आपने करेक्ट लिखने के लिए क्या करोगे, करेक्ट इस स्टेटमेंट को करेक्ट करना है, कैसे करेंगे हैं, कैसे करेंगे बच्चे, इसे करेंगे आयरन एंड रस्ट आर द डिफरेंट सबस्टेंसेस लिखने। ठीक है, नेक्स्ट ई पार्ट, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, स्टीम कंडेंसेशन क्या होता है, जब कंडेंस होती है, जब स्टीम जो है, आपने देखा जब पतीले में हम पानी चढ़ा के बॉयल करते हैं तो पानी उड़ रहा होता है हवा में, लेकिन यदि हम ऊपर ढक्कन लगा दें तो वही ढक्कन जो है वो स्टीम को क्या बनाता रहता है, दोबारा से उस हवा में उड़ रहा है जो पानी, उसे दोबारा से किस में बना देता है, लिक्विड में। ठीक है, उसे कंडेंसेशन कहते हैं, जब स्टीम कन्वर्ट होती है लिक्विड फॉर्म में, जब गैस, वो गैस ही होती है ना, स्टीम क्या होती है, गैस फॉर्म में पानी होता है, उस समय गैसेस फॉर्म में, जब वो दोबारा लिक्विड फॉर्म में आता है इसको कंडेंसेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज़ नॉट ए केमिकल चेंज, कहता वो केमिकल चेंज नहीं है, तो ई पार्ट का आंसर जो है वो केमिकल चेंज नहीं है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ठीक है, समय लग गया, तो पीछे जो थी रस्ट जो थी, और आपने ये जो पार्ट नंबर डी में आयरन और रस्ट जो है वो आपने लिख दिया, ये डिफरेंट सबस्टेंसेस हैं। आपको पता होना चाहिए जो रस्ट है वो क्या है, वो रस्ट क्या है, आयरन ऑक्साइड, और आयरन तो आयरन ही है ना, लेकिन कोई आपसे पूछे रस्ट, रस्ट का कंपोजिशन क्या है, वो आपने सीधा कह देना है कि रस्ट जो होती है वो आयरन ऑक्साइड होती है। और आयरन ऑक्साइड का आपको जब आपने चैप्टर रीड किया था उसमें Fe2O3 जो है उसका केमिकल फार्मूला था, इसे याद रखना है और इस स्टेटमेंट में भी लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू द लाइम वाटर। बच्चे हमने जो एक्टिविटी की थी, जब हम लाइम वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं इट टर्न्स मिल्की, ये हमने पढ़ा था, उसका रंग जो है वो मिल्की हो जाता है। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डैश, वो क्या बनता है, उस समय केमिकल कंपोजिशंस क्या होती है उसकी,
तो आपने जे इसमें डैश में क्या लिखना है, उस समय वो क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। पहले पूरी स्पेलिंग लिखनी है, CaLCiUm कैल्शियम, Ca कार BO Na कार्बोनेट, और इसका केमिकल फार्मूला जो है वो भी ब्रैकेट में लिखना है, CaCO3। सी कैपिटल ए स्मॉल, सी कैपिटल ओ कैपिटल, और उसके ओ के पाँव के पास क्या लिख देना है, 3 लिख देना है। ये इसका केमिकल कंपोजिशन का फार्मूला है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब आपने याद रखना है कि क्या, कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो फॉर्म होता है जब लाइम वाटर में से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं। तो ये बच्चे केमिकल कंपोजिशन जो बन रही है, आगे जो न्यू सबस्टेंस बन रहा है, इसका फार्मूला भी जो है वो याद रखना है और इसका नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट बी पार्ट में द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बच्चे जी हमने सिलेबस उसमें चैप्टर में बड़े ध्यान से पढ़ा था कि बेकिंग सोडा का केमिकल जो केमिकल नेम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम का सिंबल आपको पता है क्या होता है, Na, N कैपिटल A स्मॉल, और हाइड्रोजन को H लिखना है, और कार्बोनेट को CO3, इसकी केमिकल कंपोजिशन। टू मेथड्स बाय विच यूजिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, हमने पीछे पढ़ा था कि रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट करना है, बचाना है, जंग लोहे को जंग लगने से बचाना है। तो दो मेथड्स जो हमने देखे थे वो दो मेथड्स क्या थे, एक तो हम उसको पेंट करना है, पेंटिंग PAINTING पेंट करना है, और दूसरा गैल्वेनाइजेशन, GALVANIZATION गैल्वेनाइजेशन। डी पार्ट चेंजेस इन विच ओनली, ऐसे बदलाव जिसमें डैश प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टेंसेस चेंजेस आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। तो बच्चे किन कौन सी चेंजेस को हम फिजिकल चेंजेस बोलते हैं, किस तरह की कौन सी चेंजेस उसकी प्रॉपर्टीज में किस तरह की चेंजेस आती है जिसको हम फिजिकल चेंजेस बोलते हैं, उस सबस्टेंसेस की प्रॉपर्टीज में किस तरह की चेंजेस आती है जिसे हम फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। तो आपने जो याद रखना है, डैश में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन से किसको बोलते हैं, उसका रंग कैसा होता है, उसका साइज़ कैसा हो जाता है, उसकी शेप कैसे हो जाती है। जैसे आपको मैंने कैंडल में बताया कि जैसे ही हम वैक्स को कैंडल में से वो करते हैं, हीट करते हैं, तो वो पिघल के उसकी शक्ल चेंज हो जाती है, लेकिन केमिकल कंपोजिशन वैसी ही रहती है, लेकिन उसकी सिर्फ शेप चेंज होती है, जो फिजिकल चेंजेस होती है। तो चेंजेस इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सबस्टेंसेस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। चेंजेस इन विच न्यू सबस्टेंसेस आर फॉर्म्ड, जो नए सबस्टेंसेस बनते हैं वो उस तरह की चेंजेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंजेस बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं आपके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स विद लाइम जूस। आप देख लो, लाइम जूस हो गया, नींबू के रस के साथ बेकिंग सोडा को मिक्स करना है। जब ऐसा करोगे बबल्स आर फॉर्म्ड, उसमें बबल बनेंगे विद द एवोल्यूशन ऑफ गैस। जब भी बबल बनेंगे किसी भी सोल्यूशन में, तो साथ में गैस जो है वो बाहर निकल रही, एवोल्यूशन का मतलब गैस बाहर निकल रही है। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक खोलते हो तो कोल्ड ड्रिंक में से भी बबल, थोड़ा सा नमक डालना, वो ऊपर गुड़ 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 करके बबल्स आ रहे होते हैं। तो वही इधर भी ऐसा ही होता है कि बोटल्स आर फॉर्म्ड, द बबल्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे ही उसमें से बाहर, उसके बाहर क्या निकल रही है, अभी इन्होंने क्या बताया क्या निकल रही है, कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व हो रही है, उसकी वजह से बबल क्रिएट हो रहे हैं। तो दिस इज अ केमिकल, सॉरी क्वेश्चन है, बबल्स आर फॉर्म, जो बबल्स बनते हैं, बबल्स किस वजह से बनते हैं, विद द एवोल्यूशन ऑफ गैस जो है वो बाहर निकल रही है। व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज इट, इसमें ये जो अभी आपने मिक्सचर बना रहे हैं बेकिंग सोडा और लेमन जूस का, और उसके बाद में आपने ये देखा कि बबल्स बाहर जो है वो बबल्स और साथ में गैस जो है वो बाहर निकल रही है। तो आपसे क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि किस तरह की चेंज हो रही है इसमें, ये जो आप मिक्सचर बनाई, और एक्सप्लेन करो आंसर।
व्हेन बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को आपको पता है केमिकल फार्मूला क्या होता है, केमिकल नाम क्या है इसका, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को मिक्स किया आपने, लेमन जूस आपने पीछे पढ़ा था पिछले वाले चैप्टर में, लेमन जूस में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड जब ऐड हुआ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ और बबल्स फॉर्म्ड हो गए, बबल्स आर फॉर्म्ड, द बबल्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हमने ये देखा जो गैस जिसकी वजह से बबल निकल रहे, बबल बन रहे थे, और गैस जो बाहर निकल रही थी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर आ रही है। तो ये जो है चेंजेस है, दिस इज अ केमिकल चेंज। तो इन दिस चेंज सिट्रिक एसिड कंटेन, सिट्रिक एसिड हमें पता है लेमन जूस में था, वो रिएक्ट कर गया, वो रिएक्ट हो गया किसके साथ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, विच रिजल्ट इन द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। अब आपने रिएक्शन फॉर्म में इसको लिखना है, लेमन जूस ब्रैकेट में सिट्रिक एसिड प्लस बेकिंग सोडा, लेमन में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो एरो, एरो को हम, मैंने आपको बताया था एरो क्या बोलते हैं, बिकम्स, एरो को बिकम्स बोलना है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंसेस लिख देने हैं। जी आपका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन ए कैंडल बर्न्स, कैंडल आपको पता है मोमबत्ती, जब वो जलती है तो बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस, दोनों तरह की चेंजेस होती है, फिजिकल भी केमिकल भी। Identify these changes, आपको इन changes को identify करना है। Give another example of familiar process in which both chemical and physical changes take place, आपने देखना है कि identify करना है कि कौन सी change physical है और कौन सी change chemical है, ये बताना है। और एक और उदाहरण देना है जिसमें familiar process, जिसमें आप ये बता सको अपने उदाहरण के द्वारा कि बोथ ये जो केमिकल और फिजिकल चेंजेस टेक प्लेस होती है। जैसे इन्होंने आपको कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल का उदाहरण दिया हुआ है, इसी तरह से आपने अपनी तरफ से खुद से एक उदाहरण देना है जिसमें दोनों तरह की चेंजेस होती है। आंसर, व्हेन कैंडल बर्न्स, हमें पता है जब कैंडल बर्न हो रही है बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस हो रहा है, और उसका साइज भी कम होता जा रहा है, और वो पिघल के नीचे भी गिरती जा रही है थोड़ी थोड़ी, और साथ में वो बर्न भी हो रही है। तो फिजिकल चेंज जो है वो क्या आएगा, फिजिकल चेंज में मेल्टिंग ऑफ बैक्स, जो मोमबत्ती पिघल रही है वो फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज में क्या लिखोगे आप, बर्निंग ऑफ बैक्स, जो बैक्स जल रहा है वो केमिकल चेंज में चला जाएगा, जो पिघल रहा है वो क्या है, वो फिजिकल चेंज है। ईटिंग ऑफ फूड इज अनदर एग्जाम्पल, जो हम खाना खाते हैं वो भी एक एग्जाम्पल है बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज की। अकर्स सैमुलेंटनिसली, दोनों इकट्ठी होती हैं, ये चेंज फिजिकल और केमिकल चेंज ईटिंग ऑफ फूड में दोनों इकट्ठी होती है। आप फिजिकल चेंज में क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज फूड पार्टिकल्स इंटू स्मॉलर पार्टिकल, आपको पता है जब हम खाने का वाइट मुंह में डालते हैं तो वो कितना बड़ा होता है, उसको हम रोटी में से तोड़ के मुंह में डाल रहे हैं ना, तो जब उसको तोड़ा, खाने के चपाती को तोड़ के छोटे छोटे बाइट जो किए हैं वो एक फिजिकल चेंज है। लेकिन जब आपने उसको चबाने के बाद में सालों किया और उसके बाद में जो खाना है वो ब्लड में चेंज हो गया है, वो आपको पता है वो कौन सी चेंज आ गई, वो फिजिकल चेंज, सॉरी केमिकल चेंज आ गई। तो डाइजेशन ऑफ फूड जो है वो केमिकल चेंज है, और फिजिकल चेंज में आप लिखोगे ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। ठीक है बच्चे, तो बच्चे आज क्वेश्चन नंबर 5 तक ही सभी बच्चे अपने नोटबुक पे लिखेंगे भी और लर्न करेंगे। थैंक यू बच्चे।